गुडी मलकापुर पुलिस के अहलकारों ने जराए से मिली मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करते हुए एक शातिर धोखेबाज मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जो कि आईपीएल क्रिकेट मैचेस में सट्टेबाजी करने के लिए भारी मकदार में चोरी की वारदात इसने अंजाम दी थी। गिरफ्तार शुदा मुलजिम की शिनाख्त डी गजानंद बलवंत उम्र 24 साल, जो कि फ्लावर बिजनेस किया करता है और नांदेड़ बलोली महाराष्ट्र का रिहायशी बताया जा रहा है। मुलजिम को गिरफ्तार करने के बाद इसे अदालती तहवील में भी भेज दिया गया। मुलजिम जिसने फ्लावर मार्केट गुड्डी मलकापुर में मधुसूदन रेड्डी नामी एक फ्लावर मर्चेंट की दुकान से भारी मकदार में चोरी की वारदात अंजाम दी थी, इसने रात देर गए खुफल शिकनी के जरिए दुकान के कैश काउंटर से 7,90,000 रुपये की नकदी रकम की चोरी का इर्तकाब किया था, जिसके बाद दुकान के मालिक ने इस चोरी की शिकायत गुडी मलकापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज करवा दी थी, जिसके बाद पुलिस ने खसूसी टीम्स तश्कील देते हुए आखिरकार मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई और इसके कब्जे से मसरूख माल को भी जब्त कर लिया गया। पेश है DTV9 की एक खसूसी रिपोर्ट। गुडीमलकापुर पुलिस स्टेशन एरिया में एक फ्लावर मार्केट है, फ्लावर मार्केट में एक फ्लावर मार्केट मर्चेंट है, उन्होंने बिजनेस करते हैं मसूदन रेड्डी बोल के, उनके एक शॉप है फ्लावर। उन्होंने 2-3 दिन का उनका बेचने का वो पैसा रहता ना, वो उधर शॉप में रखे, शॉप में रखने के बाद एक दिन मॉर्निंग आए तो वो सेकंड मॉर्निंग पैसा चले गए, मोरा ओपन करके कोई चोरी करे, उसमें टोटल 7,90,000 रुपीस मनी चले गए, उन्होंने चोरी करे कोई, इमिडिएटली कंप्लेंट दिए तो गुडीमलकापुर पुलिस इधर ACP अंडर में पूरा काम करे। Within 2 days में केस डिटेक्ट करके वो 21 पकड़ के लाया, उन्होंने चोरी करके महाराष्ट्र चले गया, गजानंद बोल के महाराष्ट्र से, अब यहाँ से पुलिस गया, वहाँ से पकड़ के लाया, मनी भी रिकवर करके अभी आके अभी प्रेस मीट कर रहे हैं, अभी उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करते हैं। पैसा उन्होंने लेके गए ना, वो लैविश खर्च करे थोड़ा, उन ओनली 1 लाख कितना 1,70,000 खर्च करे, रिमेनिंग पैसा मिले उनका। अभी महाराष्ट्र में इंक्वायरी इधर रहते नहीं, उधर क्या चोरी है बोलो, अभी पूछ रहे उधर पुलिस के वाले, मालूम आता 2-3 दिन में उन्होंने पुराना केसेस है तो वो भी उसमें एंट्री करते चार्जशीट में, वो लोग भी उधर लोकल पुलिस की इन्फॉर्मेशन देते। हाँ, पब्लिक क्या मैसेज है, अभी पूरा मालूम है, ये गुडीमलकापुर ये वेजिटेबल मार्केट फ्लावर मार्केट बोले तो लास्ट 100 ईयर से चल रहे इधर, पूरा कमर्शियल है, पूरा पब्लिक ऑल ओवर स्टेट से इधर आते, इवन कर्नाटक से भी इधर बिजनेस पीपल आते, ज़्यादा इधर बिजनेस चलते, पब्लिक सेफ्टी के वास्ते पूरा CC कैमरा ज़्यादा लगाना, थोड़ा लाइटिंग भी ज़्यादा नया, पार्किंग प्लेसेस भी अच्छे रखना, जब कोई ऐसा चोरी हो तो इमिडियट का डिटेक्ट होता, पब्लिक सेफ्टी भी रहती, एक बार ऐसा ये डिटेक्ट हुआ ना, डिटेक्ट हो तो दूसरा चोरी करना उन्होंने डरते नहीं करते, ऐसा डिटेक्ट नहीं हो तो उन्होंने दूसरा करते, नया पीपल भी ऐसा चोरी करने का चांस है। अभी पब्लिक भी और ये मार्केट कमिटी वाला भी मैं रिक्वेस्ट कर रही, पूरा पब्लिक सेफ्टी के वास्ते, बाहर से पब्लिक आते मनी में रोटेशन होता, कोई चोरी करने का चांस है, वो नहीं होना बोलो तो पूरा CC कैमरा लगाना, लाइटिंग लगाना, नाइट टाइम में पूरा ये बिजनेस आफ्टर 2 o'clock में चलते, पूरा पब्लिक इतना भरोसे से आते, पूरा ओनली पुलिस वाला पूरा उनका